हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव रेसिपी जरीना डॉट इन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आलू पूड़ी बनाऊंगी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप चाहें तो उन्हें सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये आसानी से बनाई जा सकती है। तो चलिए हम जानते हैं उसके इंग्रीडियंट्स के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 कप आटा लिया, 2 आलू जिन्हें हमने उबाला और उसके बाद कद्दूकस कर लिया, 1 चम्मच नमक लिया है मैंने, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया गया है और 1 चम्मच छोटी चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ 1 चम्मच मिर्ची डाली है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और ऑयल लिया है हमने इसका आटा गूंदने के लिए और पानी ले लिया है। तो चलिए हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले हमने इसमें आलू डाल दिए, फिर आटा डाल देंगे और जितने भी मसाले लिए थे सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, हल्दी, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। मैंने इसमें हरा धनिया भी मिलाया है, अगर आप चाहें तो हरा धनिया भी मिला सकते हैं क्योंकि हरा धनिया उसमें अलग ही दिखाई देगा। और अब मैं ये सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ये जितनी भी गांठे हैं इनको मैं तोड़ लूंगी क्योंकि अगर आटा लगते वक्त आलू बीच में आएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी उन्हें बेलने में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेंगे। हम आटे में धीरे धीरे करके ही पानी डालेंगे क्योंकि आलू भी पानी छोड़ेगा और अगर आप एकदम से पानी डाल देंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा और आटा गीला हो जाएगा। आटा लग गया है, अब इसे हम मसल मसल के थोड़ा और अच्छा कर लेंगे। आटा लगकर तैयार है, इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे जिससे आटा सेट हो जाएगा। 15 मिनट हो गए, आटा सेट हो गया है। अब मैं इससे छोटी छोटी गोलियां बना लूंगी तोड़ तोड़ कर। इस तरीके से मैं तैयार कर लूंगी। आप देख सकते हैं सारी गोलियां मैंने बना के रख दी हैं। अब मैं इनको बेलूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं बेलन पर तेल लगा लूंगी। और जिस भी जगह पर आप बेलने वाले हैं वहां भी आप थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ऑयल की सहायता से बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगी। इस तरह से आप पूरी को बेल लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से पूरी बिल पा रही है और कितनी पतली पूरी बन रही है। और इसी तरीके से हम बाकी की पूड़ियां भी बना लेंगे। मैंने पूड़ियां बेल ली हैं, अब मैं इन पूड़ियों को सेक लूंगी। पूड़ियों को बेलते टाइम मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं तेल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। पूड़ी भी हमारी कितनी अच्छी फूली है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। पूड़ी सेक चुकी है, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। टिश्यू पेपर पर हम रखेंगे जिससे इसका जितना भी ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर पर आ जाएगा और मैं बाकी की सारी पूड़ियां भी इसी तरह से तल लूंगी।
हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार है। आप इसे आलू की सब्जी, चटनी, अचार किसी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। अब आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें।